नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे एस्ट्राजेनिका के शेयर की लेटेस्ट न्यूज के बारे में दोस्तों। और एस्ट्राजेनिका का क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अभी अभी दोस्तों अनाउंस हो चुके हैं, तो हम लोग रिजल्ट्स की एक एक बारीकियां देखेंगे और ये भी देखेंगे क्या कोई डिविडेंड अनाउंस किया है एस्ट्राजेनिका ने कि नहीं किया है। तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट एनालिसिस और टारगेट प्राइस कल के लिए क्या होंगे, एक्सपायरी करीब है तो उसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे एस्ट्राजेनिका शेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करें। इससे पहले आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें और उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। चलिए दोस्तों आगे हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि एस्ट्राजेनिका का रिजल्ट्स कैसे रहे और एस्ट्राजेनिका के प्राइस एक्शन क्या हुआ। सबसे पहले दोस्तों देखिए तो एस्ट्राजेनिका का शेयर काफी करेक्ट हो चुका है 52 वीक हाई 4970 से, और वहां इस समय करंटली आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है 3852 के रेट पे। तो लगभग कह सकते हैं कि 20% से ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला है। वहीं 52 वीक लो 2891 का बनाया और ये एक वैक्सीन का एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट था। तो आज इसके रिजल्ट इसके अनाउंस हो चुके हैं, मार्केट मोजो स्कोर फ्लैट है। आगे दोस्तों हम लोग चल रहे हैं एस्ट्राजेनिका की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आज 25 तारीख है, रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया है, बोर्ड की मीटिंग अभी अभी कंक्लूड हुई 4:05 के आसपास, और क्या रहे रिजल्ट उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों जूम कर देते हैं इसको। यस, तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो टोटल इनकम में शार्पली राइज देखने को मिला है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो लास्ट ईयर अगर हम मार्च क्वार्टर में देखें तो 19827 लैक्स थे, ये सारे फिगर दोस्तों लैक्स में है, तो 19827 लैक्स था, वहां से इस बार जो जंप है 21280 के आसपास देखने को मिल रहा है, लगभग 10% का जंप इनकम में देखने को मिला है। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो भी लगभग 5% के आसपास का जंप देखने को मिला है, 5-6% का जंप इनकम में है। वहीं दोस्तों अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस इस बार के क्वार्टर में थोड़े से कम देखने को मिले हैं, तो 17597 के एक्सपेंसेस हुए हैं और लास्ट ईयर कंपैरिजन में 18492 थे। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस यहां से अगर हम देखें तो 3583 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो प्रॉफिट में लगभग कह सकते हैं कि 100% से ज्यादा का जंप देखने को मिला है, लगभग 2450 के आसपास का है, जो कि अगर हम प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट आपका लगभग डबल हो चुका है, यानी 200% प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं तो लगभग 25% का जंप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में देखने को मिला है। वहीं पर हम आगे बढ़े दोस्तों तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखें, टैक्सेस निकालने के बाद तो लगभग अब प्रॉफिट 957 लास्ट ईयर था, उससे अब प्रॉफिट 2727 हो चुका है, यानी कि 3 times एग्जैक्टली, यानी कि 200% प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। और वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 600 लाख के करीब जंप है, यानी कि 60 मिलियन का जंप है। तो डेफिनेटली यहां से कह लीजिए 25% का जंप प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी है। तो अर्निंग पर शेयर में भी इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, लगभग अर्निंग पर शेयर भी 25% जंप देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर देखें तो अभी काफी ज्यादा जंप देखने को मिला है, लगभग 3 times हो चुका है। तो यहां से एक बढ़िया रिजल्ट कह सकते हैं कि इस बार एस्ट्राजेनिका ने दिया है, वैक्सीन का कैंडिडेट है ये, तो एक अच्छा रिजल्ट यहां से देखने को मिला है। आगे चलते दोस्तों एसेट्स की तरफ। अगर हम एसेट क्वालिटी देखें तो टोटल एसेट्स ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज 774741 लैक्स में फिगर है दोस्तों, तो जो कि लास्ट ईयर कंपैरिजन देखे तो 7066 से 10% का जंप एसेट क्वालिटी में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशंस देखो तो वो भी इंक्रीज हुए हैं। तो हर एक पैरामीटर पे ये एक जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी इंक्रीज हुए 4 times। तो हर एक पैरामीटर पे जबरदस्त रिजल्ट इस बार एस्ट्राजेनिका ने दिया है। तो अब अगर हम प्राइस एक्शन देखें कि इसका क्या हो सकता है तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यस, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए तो एस्ट्राजेनिका ने जिस तरह से करेक्शन दिखाए थे 4500 के लेवल से और
अगर हम दोस्तों एक साल के चार्ट देखें तो लगभग लगभग 5,000 रुपए के आसपास जंप करके और वहां से लगातार एक साइडवेज हो गया और करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अब दोस्तों क्या करना, 50 डे जो मूविंग एवरेज है वो 3593 का है, तो 3593 का स्टॉप ऑफ लॉस आपको लगाना है। और लॉन्गर टर्म में अब ये शेयर मुझे लगता है कि 4500 से 4700 के पहले टारगेट होंगे और जो दूसरा टारगेट होगा वो 5000 का टारगेट होंगे। तो 3593 का एक स्टॉप लॉस लगाइए 3593 का, करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं या अगर कोई करेक्शन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और 4500 के पहले टारगेट और दूसरे टारगेट हम लोग 5000 के एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस शेयर में। अरुण यहाँ पे देखिए कर्व ऑलरेडी बुलिश, जो बियरिश टर्न है वो खत्म होने ही वाला है, ये डाउन आ रहा है, आरएसआई न्यूट्रल है। अगर हम शॉर्टर टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है 3770 के स्टॉप लॉस लगाने हैं 3770, और ये शेयर मुझे लगता है 4000 टच कर सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग में भी। और जो मूविंग है 3807, तो आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 3800 का लगा लीजिए और ऊपर की तरफ ये बहुत ही जल्दी आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में 4000 का लेवल भी दिखा सकता है। तो शॉर्टर टर्म में, लॉन्गर टर्म में ये शेयर अब बहुत ही बढ़िया मूव दिखा सकता है, स्टॉप लॉस इसका बहुत अच्छा है और आपका 3593 यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी कम नजर आता है। डेफिनेटली बाई करिए लॉन्ग रन के लिए और ये शेयर 4500 से 5000 के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए।